है गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगी बॉय में। और आज लगने वाला है मेरे घर पे एसी। सो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि एसी लगा लूँ या फिर नहीं। सो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, अभी एसी ज़रूरत है, जैसे गर्मी भी पड़ रहा है। तो एसी तो लगा लूँगा, लेकिन दिक्कत एक चीज़ का है कि मेरा जो घर है वो तो एसी मतलब लगा सकता हूँ उसके अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो दरवाज़ा है ना वो लोहे वाला है और ऊपर में बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। तो जगह मुझे ठीक करना पड़ेगा। अगर वो ठीक नहीं करूँगा तो एसी का सब हवा निकल जाएगा। सो बेसिकली देखो, ये भी है, ये वाला सेक्शन भी है, तो ये कवर अप नहीं है। एक्चुअली सडन प्लान हुआ एसी का। मैं और संगीता गए थे मॉल ऐसे एसी देखने के लिए। तो क्या हुआ ना कि देख के हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, दरवाज़ा चेंज करना था, लेकिन वो सब हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला। सो अभी लगेगा इंडियन जुगाड़ और वो किया जाएगा एयर टाइट, क्योंकि अगर एयर टाइट नहीं करूंगा तो एसी का हवा निकल जाएगा, ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करेगा, सो ये दिक्कत आएगा। सो दैट्स बिकॉज ऑफ, मैं आपको दिखाता हूँ तो सस्ते में कैसे आप अपने घर को एयर टाइट करोगे। चलो लेट्स सी। एसी का जो इंस्टॉलेशन है वो आज आ रहे बंदे लोग इधर एसी लगाने, ये वाला, ठीक है, सैमसंग का। अगर मैं आज काम नहीं करता तो बाद में मेरे को फिर से छुट्टी लेना पड़ता, और जो कि बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि क्लासेस मेरे भरोसे में चलता है। अगर मैं छुट्टी लेता रहूंगा तो बच्चे लोगों को दिक्कत आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक दिन छुट्टी ले लेता हूँ, जिससे मैं जितना भी काम है वो मैं कर लूँ। तो ये जो भी आप लोग देख रहे हो थर्मोकोल एनोल लगा हुआ है, वो बेसिकली वो जो पर्दा है जो दरवाज़ा के सामने लगाना है मुझे, एक्चुअली ये जो दरवाज़ा ये देख रहे हो ये पूरा लोहे का दरवाज़ा है। तो यहाँ पे बहुत सारा जगह में गैप था। ये अभी ये जो मेरा फ्रेंड है उत्तम, हाय बोल दे। तो ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। तो इसमें हम लोगों ने ना क्या किया कि गैप जो था उसको फील कराने के लिए हम लोगों ने पुटिंग का यूज किया। तो सस्ते में जितना निपटा सकते मैंने निपटा दिया। बंदे लोग, ये एसी लगने वाला है मेरे इस वाली वॉल पे, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था यहाँ पे लगाऊंगा, लेकिन कि दरवाजे के सामने में एसी लगाना ज्यादा खराब आइडिया है, तो लगाना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने और संगीता ने, कि चलो यहाँ वाला ये जो वॉल है ना यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं एसी। तो यहाँ से एसी लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे एक बेड रहता है, तो यहाँ से हवा पूरा इधर आएगा। तो मुझे इसलिए मैं इस वॉल पे एसी लगा रहा हूँ, क्योंकि ये वाले वॉल पे टीवी लगने वाला है बाद में, अभी तो लगाना ही पड़ेगा जो गर्मी इतना खतरनाक जो कलकत्ता में गिर रहा है उसके लिए। अभी हम लोग वेट करेंगे कि जब तक इंस्टॉलेशन के लिए लोग नहीं आते, क्योंकि आज वो लोग 4:30 बजे का हम लोग टाइम दिया है, तो तब तक वो लोग आ जाएंगे। तो जैसे वो लोग आएंगे फिर बाकी का वीडियो मैं तभी बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सुबह से हम लोग यही सब कर रहे थे। कल भाई ने तो पूरा एकदम फुल एसी का काम वाम कर दिया था मेरा। और ये जो बोर्ड है और इसका ये घर का जो लाइन जो बंदा ने बनाया था, पापा ने जिनको दे के बनाया था, वो इतना गंदा काम किया है कि मतलब कहाँ पे कौन सा लाइन है कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो भाई ने बोला ठीक है, अभी के लिए फिलहाल तो मैं तेरा एसी का लाइन करवा देता हूँ, बाद में जब तेरा अलग सा मीटर आएगा या फिर अलग सा जो भी कुछ बैठेगा ना, तो तभी पूरा प्रॉपर एक वायर लेके एक ही मीटर से पूरा डायरेक्टली यहाँ पे सेटअप करा जाएगा, क्योंकि सेटअप बहुत बिगड़ा हुआ है लाइन्स का। जितना भी जो भी जल्दी कर सकता था हम लोगों ने किया।
इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं बाद में दिखाऊंगा जब तक वो लोग इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे तभी। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय। आप पहले ही हो गया। मशीन खरीदा एक नंबर, पैसा लगाने में खर्च पर नहीं करता। अरे एक टन का है भाई, ये वॉइस मैं लूंगा। ये वाला वॉइस मैं लूंगा। अच्छा एक देख रहा हूं, उसके बाद तो टंगा हुआ रहेगा ये, हम थोड़ी खोलेगा। अच्छा ये सर्विसिंग भी आप ही लोग करने आओगे? नहीं करूंगा। अरे चीटिंग है ये, ऐसा मत को, तब मैं पैसा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं है तो 200 रुपए टाइम टाइम हो रहा था अभी। अरे नहीं देखो, वो करता है ना, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त, वही करता है सबका, उसका भाई एसी फिटिंग करता है। अगर टूटा पंगा निकला ना, क्या फ्री सर्विस नहीं मिलेगा हम लोगों को? क्या नहीं मिलेगा फ्री सर्विस? हाँ देखो, सब लोग तो सही है, बिना मतलब के कुछ नहीं होता, ये बंदी अच्छी है। अच्छी से खरीदा एक नंबर देगा ना, बिंग फ्री। नहीं, अरे वो न्यू था, इसने बोली, हम मैंने सिर्फ लिया और बोलता कि मैं नहीं, ये क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा लग रहा है, उसका वीडियो क्यों नहीं बनाया, उसका भी बनाऊंगा। आप बोला कितना कंजूस करते हो भाई, इतना तो देना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लाइन वाइन सब ठीक किया मैंने कल, भालू लग से है एसी धावा का भी, पैसा गुला नहीं दीबी, हमें एक टका दो। माल खरीदा इतना रुपए का, हाँ इतना कंजूसी गलत बात है। हाँ 200 रुपए देने में तुमको इतना दिक्कत, छी क्यों खरीदे ऐसी? क्या बोलते उसको? क्या बोलते, तुम भूल गए हो, रट्टा मार के आना चाहिए था। जाओगे तो 10-12-14-20 हजार कर सकते हो, बहुत पैसे। अरे सच्ची में बोल रहे हैं, मेरा पापा पीता है, खतरनाक बांग्ला। वो जल्दी प्रैक्टिस कर गए। तो एसी हवा खबर कौन मनाली या मनाली हवा बेड़ अच्छे ना ना जल बेड़ अच्छे देखिए धार तो हवा डर दीजिए हवा ही बेड़ अच्छे से तो एसी बेड़ ही अभी तुरंत एक मिनट में ठंडा हवा चाहिए फिर में पानी डालिएगा तुरंत ठंडा हो जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, मजा आया। मैं रास्ता आशीष बताता हूँ, फिर से नहीं समझता है, बताइए। डाउट हो जाए, कल युग है ना, वही प्रॉब्लम। आर बेड़े भी नहीं तुई, अगर दादा है कहने, चल चुपचाप बस। दादा तू ये कहने, तू ये कहने गोल्फ को तेज़ से। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अबे तू। बस मना ली तो अच्छी। I'll talk to you later. रिमोट का थोड़ा मोड सब बोले देगा। सब बोले देगा।
ये गलत बात है। भाईसाहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी बोलो कुछ। सो फाइनली एसी लग गया है, सिक्किम बन गया। सुभाषित बोल रहे नीचे से, ठीक है। और संगीता भी खुश। अभी हम लोग पंखा चला रहे, वे भी बंद होने वाला है क्योंकि हम लोग का घर का बैंड एकदम खत्म। बैंड बजा हुआ बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। सी देखो बहुत गंदा है रूम, बहुत गंदा है। ये सब कुछ हटाना पड़ेगा अभी, ठीक है। इसी लगा कि कैसा बहुत मस्त लग रहा है, मजा बहुत आ रहा है क्योंकि इसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था गर्मी में। बहुत ऑफिस से आने के बाद ना बहुत गर्मी लगता था, नींद नहीं आता था, तभी मस्त सोऊंगी मैं। उत्तम ने बहुत बड़ा बहुत हेल्प किया हम लोगों को। सर्विसिंग वाले बंदे लोग आए थे, वो ज्यादा भी नहीं, वो लोग भी अच्छे थे, अच्छे से काम कर गए। और हम 99 होते हैं तो अपना भी 99 हुआ, मतलब एसी में कोई फॉल नहीं है, सीटिंग में कोई फॉल नहीं है, और जो इंस्टॉलेशन हुआ है परफेक्ट हुआ है। सो यही था और मजे करेंगे। और ये देखो भाई, इसका तो काम खत्म ही नहीं होता है, ये काम पे ऊपर काम करे जा रहा है। तो उत्तम ने भी हेल्प किया क्योंकि कुछ कुछ मटेरियल्स का पैसा थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा पर रहा था, लेकिन उसने बोला कि नहीं, क्योंकि टेप उसने दे दिया था जो कि मेरा 450 रुपये पड़ रहा था टेप का। सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हुआ बाहर में, क्योंकि यहाँ पे चौल है, दो चौल के बीच में वो भाई पैर डाल के काम कर रहे थे। और नीचे का भी देख लो हालत, ठीक है, और इससे भी गंदा हालत, और गंदा हालत है भाई, कहा घर कहा। और इसके बाहर वाला जो रूम है, बाहर के जो पीछे है, वहाँ पे तो और गंदा है, वो सब तो करने नहीं वाली, वो सब मेरे को साफ करना पड़ेगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा हेल्प करेगी, कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला। तो आज का ब्लॉग मैं इधर ही खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड तब तक के लिए ख्याल रखना, उन सबको प्यार करना, उन सबको जो लोग आपको प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते। एंड लव यू सो मच, बाय।